एशियन चैंपियनशिप जो भारत गत थर अपेक्षा बहुत भल प्रदर्शन कर भारत मोट 55 टी पदक पाई द्वितीय स्थान रही है। ए 21 टी स्वर्ण पदक रही 21 टी सिल्वर और 13 टी ब्रोंज पदक रही। 2019 कथा जदि आम देखा तेज 26 टी पदक हाथी भारत 5 टी स्वर्ण 10 सिल्वर और 11 टी ब्रोंज पदक सहित तो चतुर्थ स्थान रही। तो एथर जब देखा बहुत भल प्रदर्शन रही भारतीय सुटर मान सबुठ बड़ कथा ओडिया झील श्रीयंका षडंगी जेकि अलंपिक्स क्वालिफाई कर पदक जीतिशापी आउ एक गौरवर कथा। तेज जो प्लेयार मान रही जी कोचिंग दे आम सहित फोनलाइन जोड़ दीक्षांत संजय जादव रही भारतीय सुटिंग कोच खूब शीघ्र आम सहित जोड़ी हे आप देखिपी किभली भाव में पदक तालिकार चीन पर भारत द्वितीय स्थान रही है। 21 गोल्ड 21 सिल्वर पदक रही है। तेज दीक्षांत संजय जादव भारतीय सुटिंग कोच आम सहित फोनलाइन जोड़ दीक्षांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस में। हम लोग एशियन गेम्स में बातें कर रहे थे और एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का लाजवाब प्रदर्शन रहा है और खास करके अगर पदक के बारे में बात करें तो 55 आए हैं। अगर 2019 के अगर बात करें तो 26 पर भारत गया था। यस सर, अभी एशियन चैंपियनशिप में 6 ओलंपिक कोटा मिला है हमें और 55 टोटल ओवरऑल मेडल थे, 21 और गोल्ड थे, 21 सिल्वर थे और 18 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो हमारे बहुत सारा इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म ओवरऑल चैंपियनशिप में। तो ओलंपिक कोटा इस टाइम पे हमारे टोटल 13 ओलंपिक कोटा कंप्लीट हो चुके हैं और आपके ओडिशा की शूटर्स श्रेयांका साध्वी जो ने 3P में 588 स्कोर मार के अपना ओलंपिक कोटा ले लिया है। हेलो, जैसा आप बात कर रहे थे एशियन गेम्स के बाद एशियन चैंपियनशिप में हम लोग जिस तरह से पदक ला रहे और खास करके ओडिशा के श्रीलंका षडंगी के अगर बात करें तो कैसे देखते हैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर बात करें उनके प्रदर्शन की तो आप खुश हैं उनके प्रदर्शन से, खास करके 3 पोजिशन और 10 मीटर राइफल में शायद श्रीलंका भाग ले रही थी। दो इवेंट उनके थे, एक 10 मीटर राइफल थे वुमेन में और सीसी था 3 पोजीशन 50 मीटर में। उन्होंने 50 मीटर में अच्छा स्कोर किया है, 588 मारे हैं उन्होंने और उनके 29X थे। टॉप स्कोरर था 592 का और हम मोस्ट ऑफ दी जो भी टॉप स्कोरर था वो भी इंडियन थे और हमारे 4 एथलीट जो थे शूटर वो भी टॉप 8 में थे, वो भी इंडियन ही थे। तो श्रीलंका का रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग 6 पोजीशन थी, पर जब उन्होंने टॉप 8 खेला तो उनको ओलंपिक कोटा के लिए वो सिलेक्ट हो गई और वो ओलंपिक का कोटा ले लिया। जी दीक्षांत जी, जो लोग आपको अभी सुन रहे होंगे खास करके एशियन गेम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ओलंपिक्स में कौन कौन ऐसे देश रहेंगे जिससे भारत को मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि एशियन में तो कोरिया रह गया, चीन भी अच्छा करता है, तो ओलंपिक्स में जब भारत जाएगा तो और किन देश रहेंगे जिनसे हम लोग को मुकाबला करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से अभी हमने 75% हमने परसेंटेज पे हमने हमारी शूटिंग फैसिलिटी में हमें अचीव कर लिया है 75% ओवरऑल। हमें सिर्फ अभी कुछ 20% काम करना होगा और जिससे चाइना और कुछ जर्मनी की टीमें और कोरियन टीमें तो उससे हमें थोड़ा सा फाइट करनी है, पर थोड़ा तो हम उसमें स्टैंड कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड रैंक पे। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा अभी चाइना के लिए और जो कंट्रीज है उनके लिए हमें फाइट करके वहां तक हमें पहुंच लेनी पड़ेगी। तो हमारे लिए थोड़ी चीजें अभी इजी होने शुरू हो गई है क्योंकि जैसे भी हमारा इंडियन टीम का स्क्वाड है, सीनियर और जूनियर टीम का और ओलंपिक टीम का जो स्क्वाड बना है बहुत अच्छी तरह से बना है, तो आशा यही है कि इस टाइम पे हमारे बहुत सारे मेडल ओलंपिक में आ सकते हैं। जी जैसे भी आप भी गए थे टीम इंडिया के साथ तो क्या फ़र्क देख रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो आगे जा रहा है, ऐसा क्या मतलब आप कोच के हिसाब से बताएं कि भारत लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन जारी रख रहा है खास करके शूटिंग में? हाँ, मेरा ये कहना है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है
जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या मिनिस्ट्री है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा खेलों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। और जैसे शूटिंग है उसके अलावा बहुत ज़्यादा गेम्स है, इसमें सब में ही इंडिया बहुत जगह आगे आ रहा है। आपको क्रिकेट भी पता होगा, हॉकी है, बहुत जगह पे ही इंडिया अच्छे से लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा है, मेडल्स भी आ रहे हैं, कोटा आ रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये कुछ भी डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, सब तरफ की स्पॉन्सरशिप होती है बच्चों के लिए और शूटर्स के लिए, या तो उससे थोड़ा सा ये चीज़ें डेवलपमेंट पे आती है। क्योंकि रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ शूटिंग में माइंड बहुत जरूरी है कि जब तक आप माइंड से रिलैक्सेशन नहीं होगा तो शूटिंग डेवलप नहीं कर पाओगे, शूटिंग ओपनली नहीं कर सकते हो या फिर नहीं कर पाओगे। मतलब कंटिन्यू आपके थॉट प्रोसेस में कुछ कुछ होते रहेगा, ये थॉट प्रोसेस हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे शूटिंग आपकी डिस्टर्ब होती जाएगी। इसी ख्याल से ही साइकोलॉजिकल टीम रहती है, स्पोर्ट्स साइंस टीम रहती है, कोचेस है, हाई परफॉर्मेंस कोचेस है, तो ये फॉरेन कोचेस भी है हमारे पास, कोचेस तो इन सब में मिल के एक ग्रुप, एक फैमिली जैसा काम होता है, तब जाके एक ओलंपिक कोटा या किसी एक एथलीट के लिए मेडल अचीव करना एक ईजी बन जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षांत। संजय यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।